पर बेस एग्जांपल ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 व्हेन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। यदि सपोज एक फैक्टर या दो फैक्टर जो भी है क्वेश्चन में गिवन होंगे लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर हो डिनोमिनेटर के, इन केस हम इस तरह से उसे ब्रेक करेंगे। एक लीनियर फैक्टर है तो a अपॉन x माइनस a, दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है यहाँ पर तो bx plus c अपॉन x square plus b, इस तरह से उसे ब्रेक करेंगे। इसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन टू dx 1 माइनस x 1 plus x square, देखिए यहाँ पे पढ़ने को पे वही है हमारे पास 2 अपॉन 1 माइनस x 1 प्लस x स्क्वायर, a अपॉन 1 माइनस x, bx प्लस c अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये हमने इसको यहाँ पे अरेंज कर लिया। अब यहाँ पर वही हम एलसीएम लेंगे सिंपल, तो एलसीएम लेने पे हमें क्या मिलेगा 2 इक्वल टू a टाइम ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x टाइम ऑफ bx प्लस c, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करने का जो है वो एक तरीका तो कहता है लीनियर फैक्टर के अकॉर्डिंग हम इसे यहाँ सिंप्लीफाई कर लें, वो भी अच्छा तरीका है। एक तरीका है यहाँ कंपेयर बोथ द साइड, ये भी चीज हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारा मेन टारगेट है कि जो भी एबीसी वगैरह जो कांस्टेंट हमने लिए हैं उन कांस्टेंट के वैल्यू क्यों निकाले हम, ऐसा नहीं कि उसमें हम बहुत ज्यादा टाइम लगाए। तो यहाँ हम कंपेयर बोथ साइड भी कर सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले आप 2 इक्वल टू a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए यहां पे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड कंपेयर कीजिए आप, ये होगा ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू बी। इस तरह भी हम सभी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं हम, इटमीन्स ये वे है हमारे पास निकालने के, कहां पे किस तरह से कौन सा इजी पड़ता है वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी एक्स माइनस सी एक्स, इटमीन्स माइनस बी माइनस सी सॉरी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, बोथ साइड कंपेयर कर रहे हैं हम यहां पर बी इक्वल टू सी। अब कॉन्स्टेंट को लीजिए आप, कंपेयर बोथ द साइड कॉन्स्टेंट 2 इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। This is 1, 2 and 3. By 1 and 2, हम लिख सकते हैं a equal to c, a की वैल्यू c पुट कर दीजिए यहां पर तो 2c equal to 2 तो c equal to 1, c equal to 1 तो b equal to also 1 and b equal to 1 therefore a equal to 1, ये एबीसी की वैल्यू आपने निकाल ली। और चाहे तो आप इसमें वो भी काम कर सकते हैं जो हमने पहले किया है, x equal to 1 पुट कर दीजिए
एक्स इक्वल टू वन पुट किया आपने, बी होगा टू इक्वल टू टू ए, इट मीन्स ए इक्वल टू वन, ठीक है। फिर एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए, एक्स इक्वल टू आपने जीरो पुट किया यहां पर, तो ए प्लस सी इक्वल टू टू, तो सी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में, वन पुट कर दीजिए तो सी की वैल्यू वन एज इट इज। अब थर्ड के लिए हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है यहां पर, तो थर्ड के लिए हम यहां पर x इक्वल टू टू पुट कर दीजिए आप, सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। टू पुट किया तो टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह टू पुट किया, फोर प्लस वन फाइव ए, टू पुट किया तो माइनस वन, टू बी प्लस सी तो माइनस टू बी माइनस सी। अब ए और सी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, इट मीन टू इक्वल टू फाइव इंटू वन माइनस टू बी माइनस वन, फाइव माइनस वन फोर उधर गया तो माइनस टू इक्वल टू माइनस टू बी, देयरफॉर बी इक्वल टू वन। तो हम इस तरह भी यहां पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एबीसी की वैल्यू कोई हमारे पास में सेम मिल गई। इट मीन्स ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस पर हमारा टारगेट होगा कि जो हम एबीसी की वैल्यू निकाल रहे हैं वो क्यों निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसके लिए हम 10 मिनट बर्बाद कर दें। यदि 10 मिनट यदि हम एबीसी की वैल्यू निकालने में लगा देंगे तो आप ये मान के चलिए कि हमारा बहुत सारा वर्क रह जाएगा, एटमिस क्वेश्चंस रह जाएंगे हमारे फिर करने के लिए। अब यहां हम इंटीग्रेशन करें, एटमिस यहां पर एबीसी की वैल्यू कर दें, क्वेश्चन का हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ 2dx 1 minus x 1 plus x square, इसको हमने ब्रेक किया a अपॉन 1 minus x में, a की वैल्यू 1 थी हमारे पास में, इंटीग्रेशन 1dx 1 minus x प्लस b की वैल्यू वन और सी की वैल्यू भी वन, इट मीन से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर इनको और सिंप्लीफाई करें, हम पहले डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहां इंटीग्रेशन करें तो ये होगा माइनस log ऑफ 1 माइनस x प्लस हाफ log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x प्लस c। देखिए इसका मल्टीपल माइनस वन है, इसके माइनस आया है ये, और इसमें वन प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी एज्यूम करेंगे तो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन टू, वन प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी एज्यूम करते हैं टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हाफ डी टी, तो हाफ इसलिए आया है हाफ dt अपॉन टी, तो log t तो log और 1 प्लस x स्क्वायर t की वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है?
अरे कोई उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक भी पेड़ खाली नहीं है ना, कैमरे वाला ही कोई खाली है। हाँ नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि वहां एक्स का मल्टीपल -1 है, ठीक है। दोबारा इसलिए निकाले हैं कि आप इन इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जब भी bx प्लस c टाइप की कंडीशन आए तो उसमें एक वैल्यू आप डायरेक्ट x इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि हमारे पास में 1 - x का, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा 1/(1 - x) का, तो 1/(1 - x) का तो लोग 1 - x हो जाएगा और x का मल्टीपल -1 है इसलिए वो -1/(1) में आएगा, इसलिए माइनस साइन लगाया मैंने। वो चेक करेंगे कि क्या मिस्टेक है। ये तो यहाँ पे कि यदि हम 1 + x² को t एज्यूम करते हैं, जो 2xdx = dt, तो xdx = dt/2, x dx की जगह तो dt/2, तो ½ dt/t, तो ½ log t और t की वैल्यू 1 + x², इसको मैंने डायरेक्ट किया है। हाँ डायरेक्ट लिख दिया मैंने बीच वाले को, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, क्वाड्रेटिक जब फैक्टर आपके पास में क्वाड्रेटिक हो जाए, इट मीन्स इस टाइप से सबको जिस टाइप से हो, तो उसमें हम जो ब्रेक करेंगे वो bx + ax + b/(x²+1) cx + d/(x²+2), ये तो हमारा एक लिखने का स्टैंडर्ड वे है, तो उस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। परंतु इसमें क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, देखिए उसका एक वे देखिए आप। सपोज पहला केस dx(x²+1) और x²+2, यदि ऐसा हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम सिंप्लीफाई करने का जो तरीका है, x²=y एज्यूम कर लीजिए आप पहले, तो 1/(y+1) y+2) और इसको लीनियर बना के इसको ब्रेक कर दीजिए। मैं कर रहा हूं इसे, आप देखते चलिए, y+2 b टाइम y+1,
इट मींस dx के साथ सिंपल कांस्टेंट क्वांटिटी हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इस टाइप से यदि हम लेते हैं तो ab की वैल्यू हम निकालेंगे तो y इक्वल टू माइनस 1 मैं पुट करूंगा तो मेरे पास में a की वैल्यू हो जाएगी 1 और y इक्वल टू मैं माइनस 2 पुट करूंगा तो b की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास माइनस 1। अब जो क्वेश्चन को मैं यहां लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2। अब x स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिया था y, तो मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है, इट मींस a की वैल्यू क्या आई 1, तो 1 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। तो कहने का मतलब मैं इस वाले फॉर्मेट में न जाकर मैंने यहां पर लीनियर में जाकर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया वापस x में, केवल x स्क्वायर इक्वल टू y लेने के पीछे लॉजिक ये था सिंप्लीफाई करना, ठीक है, बात समझ में आई है। ये बात क्लियर है जो मैंने लिखी है, बाकी इंटीग्रेशन कर देंगे, वो इंटीग्रेशन एक अलग आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, इंटीग्रेशन करना आपको आ गया है। यहां ब्रेक किस तरह से किया है, पहले सिंपल एक्स स्क्वायर को मैंने वाई एज्यूम किया है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में, यदि इसी क्वेश्चन में यदि थोड़ा चेंज यदि मैं यहां कर देता हूं, इंटीग्रेशन x dx x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2, यदि मैं ऐसा करता हूं यहां पर, तो मैं डायरेक्ट यहां पे x स्क्वायर को t एज्यूम करके चल सकता हूं, यहां x स्क्वायर इक्वल टू t मैं लूंगा तो 2x dx इक्वल टू dt, इट मींस x dx इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में dt बाय 2। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो t के लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, इट मींस 1 बाय 2 dt t plus 1 and t plus 2। अब इसमें लीनियर वाली कंडीशन लगा के हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, और यदि सबको यहां पर x स्क्वायर dx x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2, यदि इस तरह की कंडीशन होती तो यहां सिंपल में वही x स्क्वायर इक्वल टू y लेकर ही सॉल्व करूंगा, यहां पे मैं कोई डेरिवेटिव वाली कंडीशन नहीं लगाऊंगा। ये बात क्लियर कर लीजिए देखिए आप यहां पे, क्योंकि वैसे क्वाड्रेटिक के करने का भी ये होता है, इससे भी आप कर सकते हैं और जो अपन फॉर्मेट देख रहे हैं इस तरह से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा y अपॉन y प्लस 1 y प्लस 2, यहां केवल ब्रेक करने के पर्पस से हम x स्क्वायर को y एज्यूम करके चल रहे हैं, बाकी y की वैल्यू इंटीग्रेशन करने के पहले y की वैल्यू वापस हम लिख देंगे यहाँ पर। ये जो मैं बोल रहा हूं वो बात समझ में आनी चाहिए आपके, यहां पे यदि हम ब्रेक करेंगे तो a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन y प्लस 2, इट मींस y इक्वल टू a टाइम ऑफ x y प्लस 2 एंड प्लस a टाइम ऑफ
y plus 1, y equal to मैंने minus 1 प्रूव किया, तो minus 1 equal to a, it means a equal to minus 1, y equal to मैंने minus 2 प्रूव किया, तो minus 2 equal to minus b, तो b equal to 1, b equal to minus, sorry, 2. वही अभी मैं यहां पे जो वैल्यू लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू में लिखूंगा माइनस 1, तो माइनस dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, यहां मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई वाले केस, ठीक है, क्योंकि यहां मैं ऐसा नहीं कर सकता, यहां केवल मैं ब्रेक करने के पर्पस से ही एक्स स्क्वायर को वाई एज्यूम करके चल रहा हूं सिंपल यहां पर. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस की बात करें हम यहां पर. एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आया है, क्वेश्चन नंबर 14 20 ये जो वे थे वो वे मैंने आपको बता दिए हैं. अब इनके क्वेश्चंस आप करके कल मुझे इनकी प्रॉब्लम्स या तो व्हाट्सएप पे भेजिए या कल आप मुझसे पूछेंगे. क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 लीजिए आप. वन अपॉन डीएक्स अपॉन एक्स एक्स एस टू पावर एन प्लस 1, ऐसा यहां गिवन है हमें. इसके लिए हम क्या करेंगे, x की पावर n माइनस 1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप x की पावर n इक्वल टू t लीजिए, n x n माइनस 1 dx इक्वल टू dt होगा x की पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt बाय n. इक्वेशन हो जाएगा हमारा 1 अपॉन n dt अपॉन t t प्लस 1, और वही मैं यहां पे 1 अपॉन t t प्लस 1 को मैं ब्रेक करूंगा, इट मींस a अपॉन t b अपॉन t प्लस 1, तो 1 इक्वल टू a टाइम ऑफ t प्लस 1 b ऑफ t, a को t इक्वल टू 0 पुट करूंगा. जब भी इस तरह से मल्टीपल में डायरेक्ट वेरिएबल हो ना, t इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू 0, सॉरी t इक्वल टू 0, तो b वाला पार्ट 0 और ये होगा a, a equal to 1, t equal to minus 1, तो 1 equal to minus b, तो इससे तो b equal to minus 1 और a equal to 1. ये वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो t की फॉर्मेट में हमें आंसर मिल जाएगा इसका, इट मींस क्या होगा, 1 upon a इंटीग्रेशन ऑफ a is 1, this is 1 upon t dt minus integration of dt upon t plus 1, so 1 upon a log t minus log t plus 1 plus c
ये होगा वन अपॉन ए लॉग टी टी प्लस वन प्लस सी। अब टी की वैल्यू आप वापस पुट कर दीजिएगा यहां पर, हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर, ठीक है। सिक्स फिफ्टीन तक चलेगी क्लास। अब मैं एक क्वेश्चन वो ले रहा हूं यहां पर जिसके अंदर पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर है, उस टाइप की क्वेश्चंस की वैरायटी भी मैं ले रहा हूं एक, जिससे आपको स्क्रीनशॉट कहां से लेंगे भाई, आज तो बोर्ड पे है सीधी क्लास, इसलिए स्क्रीनशॉट का चक्कर ही नहीं है आज। तो इसमें भी अपन एक क्वालिटी वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं, इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स, ये कहता है इसका इंटीग्रेशन कीजिए। पहली कंडीशन तो यहाँ हमारे पास में आ गई कि यहाँ पावर ऑफ न्यूमरेटर इतनी है, तो पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर लें, x की पावर 4 प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 2 x की पावर 4 प्लस 7 x स्क्वायर प्लस 12 dx। अब डिवाइड कीजिए आप यहाँ पर, देखिए मैं डिवाइड करके बता देता हूँ आपको, x 4 प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 2 x 4 प्लस 7 x स्क्वायर प्लस 12 वन टाइम x 2 प्लस 7 x स्क्वायर प्लस 12 सब्ट्रैक्ट किया आपने साइन चेंज पावर 4 कैंसिल माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 10, तो इसको हम लिखेंगे यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 एंड x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये तो आपने यहां डिवाइड किया है अभी सिंपल। अब इस डिवाइड वाले पार्ट में अब यहां मुझे इस वाले पार्ट को ब्रेक करना है, तो सिंपल मैं यहां x स्क्वायर इक्वल टू y पुट कर रहा हूं, मैं x स्क्वायर इक्वल टू y पर्टिकुलर इस पार्ट को लेके चल रहा हूं मैं, 4y प्लस 10 होल अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4 विच इज इक्वल टू a अपॉन y प्लस 3 एंड b अपॉन y plus 2, अब यहां पे वही एलसीएम लीजिए आप, 4y plus 3 equal to a time of y plus 2 plus b time of y plus 3, y equal to minus 3 put कीजिए, minus 12 minus 2 इधर minus 3 ये 0 ये हो जाएगा हमारे पास में a, it means a equal to minus 2, y equal to आप put कीजिए minus 4, तो minus 6 equal to
माइनस फोर माइनस बी इक्वल टू सिक्स। अब ये ए और बी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए और वाई की वैल्यू वाई, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो किस तरह से बनेगा, वन माइनस ए की वैल्यू मैंने माइनस टू डाली यहां पर, माइनस माइनस प्लस टू, माइनस माइनस प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एंड बी इक्वल टू सिक्स। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। अब इसको सेपरेट कर लीजिए और इंटीग्रेशन कर लीजिए आप। वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू ये होगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट थ्री माइनस सिक्स वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस सी। कल इस एक्सरसाइज के इट मीन्स इस एक्सरसाइज तक के क्वेश्चंस जो भी आपके डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे या कल आते ही मुझे क्वेश्चंस लिखा देंगे आप, ठीक है। और स्पेशली इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इस एक्सरसाइज में से इस साल 3 मार्क्स का कम से कम एक क्वेश्चन जरूर शोर आएगा। इसके पहले वाली एक्सरसाइज और इस वाली एक्सरसाइज, इन दोनों एक्सरसाइज में मिलाकर एक 3 मार्क का क्वेश्चन 100% आएगा। व्हाट्सएप नंबर में लिख देता हूं यहां पे, देखो जो चैप्टर चलते चले जा रहे हैं इट मीन्स जो चैप्टर अपन यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं वह आप खुद भी कंप्लीट कर लें। आप इस इंतजार में नहीं रहे कि हम बाद में देख लेंगे हो जाएगा कर लेंगे, ऐसा नहीं रखना दिमाग में बिल्कुल भी। इट मीन्स इस तरह की लापरवाही करोगे तो आप चाहे कि मैं 10 डेज 15 डेज में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूंगा सेल्फ तो वो चीज एकदम पॉसिबल नहीं हो पाती है एक गैप आने के बाद में। इसलिए अभी से जो जितना कर रहे हैं उतना परफेक्ट करते चलिए आप। ठीक है, मैं क्लास